तो हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एनी ब्लॉग। तो गाइस कल तो रोपे ही थे ये वाला खेत, आप सबको पता, देख सकते हो कितना ही बड़ा खेत है ये। हम और मम्मी मिलके तो आज दूसरा बिनाटी रोपना है। तो अभी जुताया नहीं है, अभी जुताएगा। तो अभी पापा मम्मी वहीं पर हैं खेत। तो गाइस यहाँ पर बीन उधर थोड़ा सा मारना है ये है, और ये वाला खेत अभी जुताएगा। पापा पछाड़ मार रहे हैं, तो अभी यही वाला खेत कादू होगा, उसके बाद रोपेंगे। और इसके बाद फिर और दो खेत रोपना है, छोटा छोटा, उधर बहुत दूर पे है। तो गाइस अभी काद होगा, आप लोग ब्लॉग पे बने रहो, काद होगा, बीन लगाएंगे, फिर धान रोपेंगे, अभी जाके बीन मारेंगे। जब यहाँ पे आर नहीं दिया होता तो आर में जाते थे, अब कादो कादो चलते। तो गाइस अभी ये वाला बीन मारने बोली, ये वाला बीन मारते हैं, उसके बाद वाला मारेंगे। तो अभी जल्दी जल्दी बीन मारते हैं। देख देख तो इतना सारा बीन है, धारी धारी उधर भी है। इन जल्दी जल्दी मारते हैं, उसके बाद कादो होगा, उसके बाद रोपेंगे, ठीक है। आज ये वाला कंप्लीट हो जाएगा लास्ट रोपा, फिर और दो खेत है छोटा छोटा, वो वाला भी कल रोपाई होगा शायद। आज वो वाला कादो होगा, उसके बाद रोपाई होगा। भाई अभी साइड वाला कंप्लीट कर लिए हैं हम और मामा मिल के, उधर वाला बाकी है। तो उधर वाला के लिए गाइस तो गाइस अभी घर चलते हैं, खाना वाना खा के आते हैं थोड़ा, उसके बाद ही ये वाला आके मारेंगे। और गाइस इधर सागी सागी इसको तोड़ने वाले हैं हम। सागो का नाम बता माँ। वाह गाइस, तो रोती साग इसी को कहा जाता है, मैं तो सोच ही नहीं रही थी। तो गाइस ये साग को ना बना के खाएंगे, एक मुठा तोड़े हैं और ये साइड में बहुत ज़्यादा है, तो इसे पूरा तोड़ेंगे बीन मारने के बाद, जल्दी जल्दी तोड़ेंगे, भूंज के खाएंगे। तो गाइस चलते हैं घर, खा पी के आते हैं, ठीक है, आप लोग ब्लॉग पे बने रहो। तो गाइस अभी बीन वाला खेत तो नहीं रुपाया, क्योंकि अभी ये जुताई भी नहीं हुआ, इसीलिए बाकी बीन सब साइड साइड में, आप सब देख सकते हो, इधर है, उधर है, फिर उधर भी है। तो कादो नहीं हुआ गाइस, क्योंकि कादो नहीं हुआ गाइस क्योंकि पापा को कुछ ज़रूरी काम पड़ गया, तो वो बाहर चले गए। तो अब कादो कल होगा, तो कल रुपये होगा हम लोग का। और गाइस यहाँ पे हमारा चावल कुटाओ मिक्सर में पीसे हैं, इधर पेक्ची हमारा ये डालेंगे, इन मसाला वसाला हल्दी नमक सारा कुछ डाला हुआ है। यहाँ पे तेल हमारा गर्म हो रहा है, इसे यहाँ पे छानेंगे, हीट हो चुका है। तो गाइस इसे कैसे पकाएंगे वो आप सबको ब्लॉग पे देखने को मिले। इधर हमारा साग है, करोती साग देख सकते हो, इसे धोए हैं, इसके बाद इसे चीरते हैं, काटते हैं, काटने के बाद इसे उबालने देंगे, ठीक है। इन कैसे बनाएंगे इसको आप लोग ब्लॉग पे देखने को मिलेगा, ठीक है, आप लोग ब्लॉग पे बने रहो। कैसा लगता है खाने में वो पहली बार ट्राई करेंगे। तो गाइस इसे पहले यहाँ पे सारा कुछ डाला हुआ है, ठीक है, पेक्ची उच्ची सारा, नमक हल्दी, इसे पानी ले ले करना पड़ेगा, और यहाँ पे पानी ले ले करते हैं, ढूला करना पड़ता है, नहीं है। फिर तेल पूरा गर्म हो चुका देख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे साग को चीर लिए हैं, अब भगाने देंगे इसे के लिए, उबलने के लिए देंगे। तो गाइस यहाँ पे ना वैसा पानी दे दे कि नहीं पकाएंगे, वैसा मैं रोटी अच्छा नहीं पक रहा, तो फिलहाल यहाँ पे आटा दे रहे हैं और अच्छा से पकाएंगे, टेट से पूरा थप्पा वाला रोटी। यहाँ पे आटा दे के टेट किए हैं और ऐसा बन रहा है हमारा थप्पा रोटी, ऐसे ही पकता है। बाकी मामा ने तो पूरा गीला कर दिया था, आटा दे के इसे टेट करके ढूली करके आराम से पका रहे हैं। अब यहाँ पे हमारा तेल गर्म हो रहा है, तेल गर्म होगा उसके बाद इसे पकाएंगे, और कैसा पकेगा सबको ब्लॉग पे देखने को मिलेगा। इस रोटी को हम डालते हैं तेल में, ये दूसरा है, और ये रोटी ना गाइस सोडा डालने के बाद ना फूल गया, और ये सब नहीं फूल रहा था, ये पतला देने से ऑटोमेटिक नहीं फूल रहा था, बाकी ये सब तो पूछो ही मत। तो ये सबसे बेस्ट रहा, तो सोडा डालने में यहाँ पे पूरा सब में सोडा डाले हैं, और ये देखते हैं अभी फूलता है कि नहीं, ठीक है। तो गाइस यहाँ फूलने के बाद देख सकते हो कैसा निकल गया है, एंड पतला ही पतला देखते देखो गाइस हमारा रोटी कितना सब फूला फूला है, सोडा डालने के बाद ऐसे ही खुला है। अरे यार फिर गिर गया, ये रहा हमारा रोटी, हल्दी रोटी। तो गाइस इधर हमारा रोटी पक चुका है, एंड पकाया हुआ कंप्लीट हो चुका है, तेल देखो कितने गिर गया है गाइस, ऐसे पलटाने में ना छिटक जाता था, हमारा रोटी पक चुका है। और गाइस हमारा ये साग ये उबल चुका है, अब इसे कल भूंजेंगे, क्योंकि टाइम हमारा गाइस 10:30 प्लस हो गया है। तो फ्रेंड्स पूरा रात हो चुका है, 10:30 बज चुका है, हमारा रोटी पकाते पकाते तो मैं रोटी तो पका ही ली है, एंड हमारा जो साग था
है ना गुस्सा कर ढूंढेंगे, क्योंकि बहुत ही रात हो गया, मुझे बहुत फिर नींद पहले ही से ही आ रही थी लाइव में ही। बाकी बात खाना रोटी पकाना पड़ा मुझे, आज के बाद चावल फूलने नहीं देंगे गैस, क्योंकि हमारा कोई सपोर्ट नहीं करता, लाइट कटा हुआ था वैसे तो। गैस देखो आईने पे हमारा छिपकली है। तो गैस आप सबको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अपने आप लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग पर मिलते हैं हम सभी लोगों से।